हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए IRF स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अंगरखा इंडो वेस्टर्न स्टिचिंग का ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव बाजू कच्चा करना और पक्का करना, स्लीव फुल अटैच करना इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राइट साइड तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले लेफ्ट साइड लगाना बता रहा हूँ। यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए मार्क होगा, ये फाइनल मार्क नहीं है। हमको गुलाई में गुलाई मिलाकर स्लीव लगाना है, कच्चा करना है। इस तरह से रखकर गुलाई मिला लेंगे, राउंडिंग मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। यहाँ आपको नम नहीं देना है, धमक भी नहीं देना है, यानी आपको फुलनेस नहीं देना है। इस तरह से पकड़ के हल्के हाथों से ऐसे बराबर करके कच्चा करते जाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ से हमारा नम स्टार्ट होगा, तो 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इसको ऐसे पलट लेंगे अंदर की तरफ। इसको यहाँ ताल पीस को इस तरह से पकड़ के और देख लेंगे इसमें नम कितना है, हमको अंदाज़ा मिल जाएगा, उसी हिसाब से हम इसमें नम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से नम देना स्टार्ट करेंगे। नम इक्वल देना है, बराबर देना है। जितने भी हम नम देंगे सब एक बराबर होना चाहिए। तो कैसे मैं नम दे रहा हूँ, कैसे मैं कच्चा कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। ये जॉइंट है, यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे खड़ा कपड़ा होता है, तो यहाँ एक नम नहीं देना है, एक नम छोड़ देंगे और फिर नम स्टार्ट करेंगे। इस भाई का नाम है शिवम राज। इस भाई ने बहुत सारे कमेंट किए हैं मेरा जो सेकेंड यूट्यूब चैनल है सुहाना स्टूडियो, जहां मैं आप लोगों को लेडीज़ ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग सिखाता हूं। वहां भी इन्होंने कमेंट किया है, सर प्लीज़ कोट के स्लीव नम एडजस्ट करना बताएँ जल्दी। शिवम राज जी, आपके क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, वीडियो को देखते रहिए। इतना कच्चा करने के बाद फॉल देख लेना है सही है या गलत है, मैं एक ही बार आपको दिखाऊंगा। शेरवानी और इंडो वेस्टर्न में थोड़ा सा यहाँ नम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लीड नहीं देना है, प्लीड हम नहीं देंगे, टिप्पी नहीं देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे आप देखिए, 2 इंच के अंदर ही इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ हल्का हल्का, यानी थोड़ा थोड़ा करके नम के जैसा, फुलनेस के जैसा हल्का हल्का कच्चा करेंगे और इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ
प्लीड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्लीड नहीं देता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को प्लीड देना नहीं बता रहा हूँ। जॉइंट से 2 इंच के अंदर ही हल्का हल्का नम देकर ख़त्म कर देंगे और इसको आयरन प्रेस से अच्छे से बैठा देंगे, तो ये फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर थोड़ा सा नम ज़्यादा हो जाए तो कैसे एडजस्ट करना है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। और ये इसका पीछे का ताल पीस है, इसका भी फॉल देखिए। जॉइंट से जॉइंट तक मेजरमेंट कर लेंगे, ये जितना है सेम उतना ही इस तरफ मार्क कर लेंगे। और इस मार्क से स्लीव को कच्चा करेंगे। ये वाला स्लीव मैं वीडियो को फास्ट करके बता रहा हूँ। नम अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कैसे एडजस्ट करना है देखिए। एक नम ज़्यादा है, 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 इंच के अंदर ही इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। और ये जो हमने यहाँ नम दिया है इसको आयरन प्रेस से बैठा लेना है, प्रेस कर लेना है इसको, यहाँ नम नहीं देना है। दोनों स्लीव का फॉल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये ना आगे है ना पीछे है और फॉल भी बिल्कुल करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कच्चा में स्लीव का फॉल बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, अगर आपका एक कच्चा में परफेक्ट नहीं आता है तो उसको खोल के सही करना है। ये फैब्रिक है, इसमें हम मुंडे में स्लीव में बत्ती लगाएंगे, तो कैसे लगाना है देखिए। क्रॉस में इसको कट कर लेंगे, ये फुल क्रॉस में कट करना है, उरेब में कट करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था चेक्स कोट का, तो उसके स्लीव में मैंने आप लोगों को रेडीमेड बत्ती लगाना बताया है, तो रेडीमेड बत्ती कैसे लगाया जाता है वो चेक्स कोट के स्लीव में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैब्रिक का ही बत्ती लगाकर दिखा रहा हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे आयरन से। ये पैड है, पैड को भी हल्का शेप में कट कर लेना है। ये जो हमने कच्चा किया है इसको एक बार फिर से डबल कच्चा कर लेना है और आयरन प्रेस से नम को प्रेस कर लेना है। चेक्स कोट के स्टिचिंग में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा।
धागा जो हमने कच्चा किया है, इस कच्चे धागे से एक पॉइंट एक सूत अंदर सिलाई करना है, स्टिच करना है। जो स्लीव का जॉइंट है यहाँ बराबर करके रखना है, और ये राउंडिंग है तो राउंडिंग छोड़कर यहाँ से स्टिच करेंगे। पैड को हाफ एंड हाफ करेंगे, बीच से आधा कर लेंगे और यहाँ सेंटर में इस तरह से रख कर और सिलाई को बड़ा करके स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। स्लीव के जॉइंट के पास यहाँ इस तरह मार्क लगा लेंगे लाइनिंग में।
इस जॉइंट को इस मार्क में ऐसे पकड़ लेना है। लाइलिंग का जॉइंट और यहाँ शोल्डर का जॉइंट दोनों मैच कर मिलाकर इस तरह से इसको हेमिंग करेंगे, तुरपाई करेंगे। आप अंदर से स्टिच भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हेमिंग करके दिखा रहा हूँ, तुरपाई करके दिखा रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।